ऑफिस का उद्घाटन भी किया जाएगा। नारकोटिक्स लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। नक्सल और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी इसमें चर्चा होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है और इसमें ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो कि वाकई इन दिनों के लिए काफ़ी खास है, जैसे कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर, नक्सल को लेकर बात की जाएगी इसमें। छत्तीसगढ़ दौरे का आज तीसरा दिन है गृह मंत्री अमित शाह का, और काफ़ी खास लगातार मीटिंगों का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है। नारकोटिक्स लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी आज बैठक में चर्चा की जाएगी। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ है। दीपक, देखिए गृहमंत्री अमित शाह का लगातार आज तीसरा दिन है छत्तीसगढ़ के दौरे का, और आज जो बैठक होने वाली है काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? देखिए, तीसरा और आखिरी दिन है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से लगातार परसों देर रात पहुंचे थे, उस दिन भी मुलाकात हुई थी, और कल पूरा दिन बैठकों का दौर चला। 6:30 बजे के आसपास वो मीडिया से मुखातिब होते हैं और 7:30-8 बजे तक मीडिया के साथ चर्चा करते हैं, तमाम सवालों का जवाब देते हैं, और उसके बाद देर रात फिर बैठकें शुरू हो जाती, क्योंकि जो तमाम जो जुड़े हुए राज्य हैं, जो बॉर्डर के राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, इनके DGP और चीफ सेक्रेटरी के साथ 1-to-1 चर्चा करते हैं, और बॉर्डर पर किस तरीके से काम करना है उसके ऊपर चर्चा की जाती है। और उसके बाद आज सुबह 10:30 बजे से लगातार बैठकों का दौर जारी है, उसके बाद वो 1:30 बजे सहकारिता को लेकर बैठक करेंगे, और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार की समीक्षा करेंगे, जो NCB का कार्यालय नारकोटिक्स का, उसका उद्घाटन करेंगे, और उसी में जो वर्चुअली सभी जिलों के 33 के 33 जिलों के SP और कलेक्टर से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात इसलिए भी जरूरी हो जाती है, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमाओं से लगता है, 15 जिले जिसमें से ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिसमें आंतरिक सुरक्षा की चर्चा लगातार की जाती है। आंतरिक सुरक्षा की यदि चर्चा की बात की जाए तो कवर्धा राजनांदगांव का इलाका है जो वो गढ़चिराली और महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगता है, जहां पर आंतरिक सुरक्षा की चर्चा होती है। यदि आप महासमुंद जाएंगे तो उड़ीसा से लगता है, सबसे ज्यादा गांजा की तस्करी वहां से होती है। उसके बाद आप मुख्यमंत्री का जो निर्वाचन क्षेत्र है जशपुर, वहां जाएंगे तो झारखंड वाला जो इलाका है वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सबसे ज्यादा चर्चा है। तो इन सब चीजों को लेकर किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, किस तरीके से काम किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टारगेट रखा गया है, कल जब चर्चा कर रहे थे मीडिया से तो उन्होंने एक चीज कही कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे, रूथलेस पॉलिसी के तहत काम करेंगे। तो एक बात साफ हो गई है कि यदि आप प्यार से नहीं मानेंगे, यदि आप समझा के नहीं मानेंगे, यदि आप सरकार की सरेंडर पॉलिसी में विश्वास नहीं रखते हैं, तो आपको मार दिया जाएगा, आपको खदेड़ा जाएगा, आपको भगाया जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में बैठा दिया जाएगा कि अब आप नक्सलवाद का जो रास्ता है उसको छोड़ दें। क्योंकि एक सवाल पे उन्होंने ये तक कह दिया, यदि नक्सली पाताल में भी छुप जाएं तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात साफ हो गई है कि जो मार्च का लक्ष्य रखा गया है, उस मार्च के लक्ष्य के आधार पर अमित शाह ने ये बात क्लियर कर दी है कि यदि नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा है, यदि नक्सली बैकफुट पे नहीं आएंगे, यदि नक्सली सरेंडर नहीं करेंगे, तो हम उनको मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अभी तक जो बात हो रही थी, उन्होंने अर्बन नक्सलवाद का भी जिक्र किया, उन्होंने वामपंथी का भी जिक्र किया, उन्होंने बुद्धिजीवी नक्सली का भी जिक्र किया, तो उन्होंने इन सब में आड़े हाथों सबको लेते हुए एक लाइन में कह दिया, चाहे वो वामपंथ की बात हो, चाहे वो अर्बन नक्सली की बात हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र के नक्सली हो, और चाहे जो AK-47 लेके घूम रहे हैं, चाहे वो वाले नक्सली हो, सब संभल जाए, सब सुधर जाए, मार्च 2026 तक का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और मार्च 2026 में नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। यदि इस तरीके की चर्चा और इस तरीके का बयान एक राष्ट्रीय मंच से दिया जा रहा है, सभी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने दिया जा रहा है, तो आप मान लें कि कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई रणनीति के ऊपर चर्चा हुई है। क्योंकि सातों राज्यों के DGP इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, सातों राज्यों के DGP, सातों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी, इन सब के साथ पहले बैठक हुई है, और उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब हो गए, उसके बाद सबके साथ 1-to-1 चर्चा भी हुई है, और ये 1-to-1 चर्चा ये बताती है कि सबके सुझाव भी लिए गए हैं कि आपके राज्य में क्या समस्या है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, यदि आपको चाहिए तो किस पॉलिसी के, कौन से राज्य को आप ध्यान में रखकर नक्सलवाद पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। आप बाहर बॉर्डर के बाहर आप आतंकवाद से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन यदि आप घर में ही लड़ रहे हैं, यदि आप घर में कमजोर हो रहे हैं, तो उसको लेकर काम करना पड़ेगा। एक चीज की चर्चा लगातार की जा रही थी,
बॉर्डर के कोऑर्डिनेशन की, जो राज्यों से सीमा लगी हुई है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा लगी है, अब मध्य प्रदेश से यदि छत्तीसगढ़ से खदेड़ा जाता है, आसान भाषा में समझा जाए तो छत्तीसगढ़ से यदि किसी नक्सली को ऑपरेशन चला के खदेड़ा गया तो या तो महाराष्ट्र चला जाता है या वो मध्य प्रदेश चला जाता है। अब आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, आपको दूसरे राज्य के एक्सेस के लिए वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक आप परमिशन लेंगे, जब तक आप काम करेंगे, तब तक नक्सली 9-2-11 हो जाएंगे। इसीलिए राज्यों के कोऑर्डिनेशन की चर्चा की गई है, ये कहा गया है 2-2-3-3 की जो 2-2-3-3 राज्य हैं उनके एक कोऑर्डिनेशन समिति बना दी जाएगी ताकि आपसी तालमेल के साथ काम किया जा सके। और जब कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा तो ये मान के चलिए कि नक्सलवाद पे जिस 2026 का लक्ष्य लेकर चला जा रहा है उसमें जरूर सफलता मिल सकती है। एक और सवाल पूछा गया जो बहुत इंपॉर्टेंट था नक्सलवाद के, उससे छत्तीसगढ़ में 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं और मौजूदा स्थिति में जो भी छत्तीसगढ़ के नक्सली हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर नक्सलवाद फैला रहे हैं, ये सभी तेलंगाना कैडर के नक्सली हैं, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ कैडर की जो नक्सलियों की खेप थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है, वो या तो यहाँ से हट चुकी है। तो अब ये पूछा गया कि जो पुनर्वास नीति है नक्सलियों की, कि वो सरेंडर करते हैं तो उनको कौन सी नीति के आधार पर यहाँ पर ऑफर किया जाएगा, या कौन सी नीति के आधार पर उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं, या जो उनको जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा जाता है वो किस आधार पर रखा जाएगा। तो यही बताया गया कि वो कहीं का भी हो, यदि वो जहां पकड़ा जाएगा वहां जो नीति लागू की गई है उसके आधार पर उसको रिहैबिलिटेशन में सेंटर में रखा जाएगा। तो समझा जा सकता है जो लकीर खींची गई है कल अमित शाह द्वारा और सातों राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी द्वारा, उसमें एक बात साफ हो गई है कि नक्सलवाद को लेकर सरकार अब किसी भी प्रकार की कोताही के रूप में नहीं चलना चाहती, क्योंकि 8 महीने में जो विष्णुदेव साय की सरकार है 150 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की तारीफ भी अमित शाह ने की, और ये कहा मैं अपने गृह मंत्री को जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं जो हिडमा के गांव जाकर नरेंद्र मोदी की योजनाओं को बता के आए। हिडमा दर्शकों को बता दूं, हिडमा वो नक्सली है जिसको नक्सली कमांडर कहा जाता है, जिसके ऊपर कई करोड़ रुपए का इनाम था। वहां पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जाते हैं, नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनको बताते हैं, तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा। और उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप भी जाएंगे तो उन्होंने यही कहा कि अगर मेरे गृह मंत्री मुझे इन्वाइट करते हैं तो मैं हिडमा के गाँव जरूर जाऊंगा। हिडमा को अगर आप इतिहास के पन्नों में जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना दुर्दान ये नक्सली था। तो समझा जा सकता है कि नक्सलवाद को लेकर जो बैठक चल रही थी वो कल रात खत्म हो चुकी है, तमाम चीजों पे चर्चा हुई, और आज सहकारिता के बैठक है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, 33 जिलों के SP और कलेक्टर ऑनलाइन जुड़ेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे, उनसे चर्चा की जाएगी। विष्णुदेव साय सरकार की जो 8 से 9 महीने का जो कार्यकाल है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, विभागीय समीक्षा की जाएगी और तमाम कामों को समझा जाएगा कि आखिर सरकार इन 9 महीनों में जो मोदी की गारंटी है, जो डबल इंजन की चर्चा की जा रही है, उसमें किस तरीके से काम किया गया है। और ये पहली बार होगा क्योंकि जिन 3 राज्यों में रिजल्ट आया था, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ फिलहाल एक ऐसा राज्य है जिसके काम की समीक्षा खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वो कर रहे हैं। ये समझा जा सकता है राजनीतिक लिहाज से यदि यहाँ समीक्षा हो रही है तो 2 और राज्य हैं जहां पर नए नवेले मुख्यमंत्रियों को गद्दी दी गई है, तो क्या वहां पर भी ये चर्चा की जाएगी, वहां पर भी ये बात की जाएगी, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मुख्य मुद्दा जो रहा